नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। आइए आज हम सभी जानेंगे राजस्थान के एक बेहद ही लोकप्रिय देवता, या राजस्थान ही नहीं, वैसे तो राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश में खास करके इनको पूजा जाता है, लेकिन पूरे देश में लोग इन्हें जानते हैं। जी हाँ, श्री देव नारायण जी के बारे में आज हम सभी जानेंगे। राजस्थान के ये एक गुर्जर योद्धा थे जिन्होंने गुर्जर समाज की स्थापना की थी। वे भगवान विष्णु के अवतार हैं। इनकी पूजा मुख्यतः राजस्थान, हरियाणा तथा मध्य प्रदेश में होती है। इनका भव्य मंदिर आसिंद में है। इन्हीं के बारे में आज हम सभी जानते हैं, जिसे हम सभी देव नारायण फड़ परंपरा के रूप में भी जानते हैं। लोक अवतार इनको कहा जाता है, बाबा रामदेव जी को। जगत देवता शनिदेव, सूर्यदेव, चंद्रमा, जो कि अलाइव दिखते हैं हमें। विष्णु वंदना के बाद लोक देवता बाबा रामदेव जी एवं जगत देवता शनिदेव, भगवान सूर्य एवं चंद्रमा का आह्वान किया जाता है। तो आइए इसी कड़ी में आज हम सभी हरिराम और बाघ सिंह की कथा के बारे में सबसे पहले जानते हैं। राजा बिसल देव की कचहरी और अजमेर शहर के बारे में, बगड़ावत देव नारायण लोक गाथा अजमेर के राजा बिसल देव जी के भाई मंडल जी से शुरू होती है, जो कि देव नारायण के पूर्वज थे। मंडल जी के बड़े भाई राजा बिसल देव जी उन्हें घोड़े खरीदने के लिए मेवाड़ भेजते हैं। राजा मंडल का मंदारा मेवाड़ पहुँच करके मंडल जी कुछ घोड़े खरीदते हैं, मगर बहुत सारा पैसा वो तालाब बनवाने में खर्च कर देते हैं और अपने भाई से और पैसे मंगवाते हैं जो वो भेजते रहते हैं। बिसल देव जी यह पता करने आते हैं कि मंडल जी इतने सारे पैसे का क्या कर रहे हैं। इस बात का पता जब मंडल जी को लगता है कि उनके बड़े भाई बिसल देव जी आ रहे हैं, तब वह जो तालाब बनवा रहे थे उसमें घोड़े सहित उतर जाते हैं और जल समाधि ले लेते हैं। बिसल देव जी को यह जान करके बहुत दुख होता है और वह मंडल जी की याद में तालाब के बीच में एक विशाल छतरी और एक विशाल मंदारे का निर्माण कीर्ति स्तंभ नुमा करवाते हैं और उस गांव का नाम मंडल जी के नाम से मंडल पड़ जाता है, जो कि मेवाड़ के नज़दीक आज भी स्थित है। हरिराम जी और लीला सवारी के बारे में जान लेते हैं अब। राजा बिसल देव के राज्य में एक बार एक शेर ने आतंक फैला रखा था। गांवों के छोटे छोटे बच्चों को वह रात को चुपचाप उठा करके ले जाता था। थक हार करके लोगों ने तय किया कि शेर का भोजन बनने के लिए हर घर का एक सदस्य बारी बारी से जाएगा। एक रात मंडल जी के पुत्र हरिराम जी, जिन्हें शिकार खेलने का बहुत शौक होता है, वहां से गुजर रहे होते हैं। रात बिताने के लिए वो एक बुढ़िया से उसके घर में रहने की अनुमति मांगते हैं और बुढ़िया उन्हें अनुमति दे देती है। रात को जब बुढ़िया अपने बेटे को भोजन खिला रही होती है तो हरिराम जी देखते हैं कि बुढ़िया अपने बेटे को बहुत प्यार से भोजन करा रही है और रोती भी जा रही है। हरिराम जी बुढ़िया से उसके रोने का कारण पूछते हैं। बुढ़िया उन्हें शेर के बारे में बताती है और कहती है कि मेरे दो बेटे थे, एक बेटा पहले ही शेर का भोजन बन चुका है और आज रात दूसरे बेटे की बारी है। यह सुनकर हरिराम जी बुढ़िया को कहते हैं कि माँ, मैं आज तेरे बेटे की जगह शेर का भोजन बनने के लिए चला जाता हूँ। जंगल में जा कर के हरिराम जी आटे का एक पुतला बनाकर अपनी जगह रख देते हैं और खुद पास की झाड़ी में छुप जाते हैं। जब शेर आटे के पुतले पर हमला करता है तो हरिराम जी झाड़ी से बाहर आ करके अपनी तलवार के एक ही वार से शेर की गर्दन अलग कर देते हैं। इसके बाद शेर का कटा हुआ सिर हाथ में लेकर के अपने खून से सनी तलवार को धोने के लिए पुष्कर घाट की ओर जाते हैं। पुष्कर के रास्ते में लीला सेवड़ी नामक एक औरत, जो कि ब्राह्मणी थी, वो रहती थी और वो सुबह सवेरे सबसे पहले उठकर पुष्कर घाट पर नहा धो करके वराह भगवान की पूजा करने के लिए जाती थी। उसने यह प्रण ले रखा था कि वह वराह भगवान की पूजा करने के बाद ही किसी इंसान का मुंह देखेगी। पुष्कर घाट पहुंचकर जब हरिराम जी तलवार को पानी से साफ करके अपने म्यान में डाल रहे हैं तो लीला सेवड़ी, जो वराह भगवान की पूजा कर रही होती है, आहट सुन करके
पीछे मुड़कर देखती है। हरिराम जी डर के कारण शेर का कटा हुआ सिर आगे कर देते हैं, जिससे लीला सेवड़ी को सिर तो शेर का और धड़ इंसान का दिखाई देता है। वह कहती है कि यह तुमने क्या किया, अब मेरे जो संतान होगी वह ऐसी ही होगी जिसका सिर तो शेर का होगा और शरीर आदमी का। अब लीला सेवड़ी कहती है कि आपको मेरे साथ विवाह करना होगा। हरिराम जी सोचते हैं कि ऐसी सती औरत कहाँ मिलेगी, वह विवाह के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ समय पश्चात हरिराम जी और लीला सेवड़ी के यहाँ एक संतान पैदा होती है, जिसका सिर तो शेर का बाकी शरीर मनुष्य का होता है। हरिराम जी उस बच्चे को लेकर के एक बाग में बरगद के पेड़ की कोचर यानी कि खोल में छिप करके चले आते हैं। दूसरे दिन बाग का माली आता है और देखता है कि बाग तो एकदम हरा भरा हो गया है, यह क्या चमत्कार है। और वह पूरे बाग में घूम फिर करके देखता है तो उसे बरगद की खोल में एक नवजात शिशु के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। और बाग का माली दौड़ करके बरगद के पेड़ की खोल में से बच्चे को उठा लेता है। वह यह देख करके दंग रह जाता है कि बच्चे का मुंह शेर का और शरीर इंसान का है। वह बच्चे को राजा के पास लेकर जाता है। राजा बिसलदेव को जब हरिराम जी से सारी बात का पता चलता है तो उस बच्चे के लालन पालन का जिम्मा वह स्वयं के लिए तैयार हो जाते हैं और उस बच्चे का लालन पालन करने लगते हैं। बाघ सिंह का बाघ और उनके विवाह के बारे में जानते हैं। राजा बिसलदेव उस बच्चे का नाम बाघ सिंह रख देते हैं। जैसा कि आप सभी स्टोरी में सुने कि बच्चे का मुख जो था वो शेर का था यानी कि बाघ का था और धड़ इंसान का था। बाघ सिंह की देखरेख के लिए उस बाग में एक ब्राह्मण को नियुक्त कर देते हैं। बाघ सिंह उसी बाग में खेलते कूदते बड़े होते हैं। राजस्थान में यह प्रथा है कि सावन के महीने में तीज के दिन कुंवारी कन्याएं झूला झूलने के लिए बाग में जाती हैं। यही जानकर उस दिन बाघ सिंह और ब्राह्मण भी अपने बाग में झूले डालते हैं। बाघ सिंह झूला झूलने के लिए आई हुई कन्याओं से झूलने के लिए एक शर्त रखते हैं कि झूला झूलना है तो मेरे साथ फेरे लेने होंगे। लड़कियां पहले तो मना कर देती हैं लेकिन फिर आपस में बातचीत करती हैं कि फेरे लेने से कोई इसके साथ शादी थोड़ी ही हो जाएगी। कुछ लड़कियां बाघ सिंह के साथ फेरे लेकर के झूला झूलने के लिए तैयार हो जाती हैं और कुछ वापस अपने घर को लौट जाती हैं। बाघ सिंह के साथ उसका ब्राह्मण मित्र लड़कियों के फेरे करवाता है और झूला झूलने की इजाज़त देता है। उस दिन लड़कियां झूला झूलकर अपने घर वापस आ जाती हैं। जब वह लड़कियां बड़ी होती हैं तब उनके घर वाले उनकी शादी के सावे यानी कि लग्न निकलवाते हैं, लेकिन जब उनकी शादी के लग्न नहीं मिलते हैं तब घर वालों को चिंता होती है कि आखिर इनके लग्न क्यों नहीं मिल रहे हैं। लड़कियों के माता पिता राजा बिसलदेव जी के पास जा कर के यह बात बताते हैं। राजा बिसलदेव जी एक युक्ति निकालते हैं और सब लड़कियों को एक जगह एकत्रित करते हैं और उनके पास पहरे पर एक बूढ़ी दाई को बैठा देते हैं और कहते हैं कि यह बहरी है, इसे कुछ सुनाई नहीं देता है। सारी लड़कियां आपस में खुसर फुसर करती हैं और कहती हैं कि मैंने कहा था कि बाघ सिंह के साथ फेरे नहीं लो और तुम नहीं मानी, उसी का यह अंजाम है कि आज अपनी शादी नहीं हो पा रही है। यह बात बूढ़ी औरत सुन लेती है और दूसरे दिन राजा बिसलदेव जी को सारी बात बताती है। फिर राजा बिसलदेव जी बाघ सिंह को बुलाते हैं और उन्हें फटकार लगाते हैं। बाघ सिंह कहते हैं कि मैं एक बात भरूंगा, जो लड़कियां मेरी बात में आ जाएंगी उससे तो मैं शादी कर लूँगा, बाकी लड़कियों के सावे निकल जाएंगे। बाघ सिंह जब बात भरते हैं उनकी बाहों में 13 लड़कियां समा जाती हैं, जिससे बाघ सिंह शादी करने को तैयार हो जाते हैं। 12 लड़कियों से स्वयं शादी कर लेते हैं और एक लड़की अपने ब्राह्मण मित्र को जो फेरे करवाता है उसको दे देते हैं। अपनी 12 औरतों से बाघ जी की 24 संतानें होती हैं। वह बगड़ावत कहलाते हैं। बगड़ावत गूं जाति से संबंध रखते थे। इनका मुख्य व्यवसाय
पशुपालन था और बड़े पैमाने पर इनका पशुपालन का कारोबार था। वह इस कार्य में प्रवीण थे और उन्होंने अपनी गायों की नस्ल सुधारी थी। उनके पास बहुत बढ़िया नस्ल की गायें थीं। गाथा के अनुसार काबरा नामक सांड उत्तम जाति का सांड था। उनके पास चार बढ़िया नस्ल की गायें थीं, जिनमें सुरह, कामधेनु, पार्वती और नांगल गायें थीं। उनकी हिफाजत और सेवा में ये लोग लगे रहते थे। बगड़ावत भाइयों में सबसे बड़े तेजाजी, सवाई भोज, नियाजी, बहारावत इत्यादि थे। सवाई भोज की शादी मालवा में सा माता के साथ होती है। साड़ू माता के यहाँ से भी दहेज में बगड़ावतों को पशुधन मिलता है। एक ग्वाला जिसका नाम नापा ग्वाला होता है, उसे बगड़ावत साड़ू के पीहर मालवा से लाते हैं। नापा ग्वाल इनके पशुओं को जंगल में चराने का कार्य करता था। इसके अधीन भी कई ग्वाले होते हैं जो गायों की देखरेख करते थे। गाथा के अनुसार बगड़ावतों के पास 1,80,000 गायें और 1,444 ग्वाले थे। एक बार बगड़ावत गायें चरा करके लौट रहे होते हैं, तब उन गायों में एक गाय ऐसी होती है जो रोज उनकी गायों के साथ शामिल हो जाती थी और शाम को लौटते समय वह गाय अलग चली जाती है। सवाई भोज यह देखते हैं कि यह गाय रोज अपनी गायों के साथ आती है और चली जाती है। यह देख सवाई भोज अपने भाई नियाजी को कहते हैं कि इस गाय के पीछे जाओ और पता करो कि यह गाय किसकी है और कहां से आती है। इसके मालिक से अपनी ग्वाली का मेहनताना लेकर के आना। नियाजी उस गाय के पीछे पीछे जाते हैं। वह गाय एक गुफा में जाती है। वहां नियाजी भी पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि गुफा में एक साधु बाबा रूपनाथ जी धुनी के पास बैठे साधना कर रहे हैं। नियाजी साधु से पूछते हैं कि महाराज, यह गाय आपकी है? साधु कहते हैं, हाँ गाय तो हमारी ही है। नियाजी कहते हैं, आपको इसकी ग्वाली देनी पड़ेगी, यह रोज हमारी गायों के साथ चरने आती है, हम इसकी देखरेख करते हैं। साधु कहते हैं, अपनी झोली मांड। नियाजी अपनी कंबल की झोली फैलाते हैं। बाबा रूपनाथ जी धुनी में से धोबे भर धुनी के राख नियाजी की झोली में डाल देते हैं। नियाजी राख लेकर के वहां से अपने घर की ओर चल देते हैं। रास्ते में साधु के द्वारा दी गई धुनी की राख को गिरा देते हैं और घर आकर के राख लगे कंबल को खूंटी पर टांग देते हैं। जब रात होती है तो अंधेरे में खूंटी पर टंगे कंबल से प्रकाश फूटने लगता है। तब सवाई भोज देखते हैं कि उस कंबल में कहीं कहीं सोने एवं हीरे जवाहरात लगे हुए हैं, तो वह नियाजी से सारी बात पूछते हैं। नियाजी सारी बात बताते हैं। बगड़ावतों को लगता है कि जरूर वह साधु कोई करामाती पहुंचा हुआ है। यह जान करके कि वो राख मायावी थी, सवाई भोज अगले दिन उस साधु की गुफा में जाते हैं और रूपनाथ जी को प्रणाम करके बैठ जाते हैं और बाबा रूपनाथ जी की सेवा करते हैं। यह क्रम कई दिनों तक चलता रहता है। एक दिन बाबा रूपनाथ जी निवृत्त होने के लिए गुफा से बाहर कहीं जाते हैं। पीछे से सवाई भोज गुफा के सभी हिस्सों में घूम फिर करके देखते हैं। उन्हें एक जगह इंसानों के कटे सिर दिखाई देते हैं। वह सवाई भोज को देख करके हंसते हैं। सवाई भोज उन कटे हुए सिरों से पूछते हैं कि हंस क्यों रहे हो? तब उन्हें जवाब मिलता है कि तुम भी थोड़े दिनों में हमारी जमात में शामिल होने वाले हो, यानी तुम्हारा हाल भी हमारे जैसा ही होने वाला है। हम भी बाबा की ऐसे ही सेवा करते थे। थोड़े दिनों में ही बाबा ने हमारे सिर काट करके गुफा में डाल दिए। ऐसा ही हाल तुम्हारे भी होने वाला है। यह सुनकर सवाई भोज सावधान हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद बाबा रूपनाथ वापस लौट आते हैं और सवाई भोज से कहते हैं कि मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हुआ। थोड़ी देर के बाद बाबा रूपनाथ वापस लौट आते हैं और सवाई भोज से कहते हैं कि मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हुआ, आज मैं तेरे को एक विद्या सिखाता हूँ। सवाई भोज से एक बड़ा कड़ाव और तिल लेकर के आने के लिए कहते हैं। सवाई भोज बाबा रूपनाथ के कहे अनुसार एक बड़ा कड़ाव
और तेल लेकर के पहुंचते हैं। बाबा कहते हैं कि अलाव यानी कि आग जला करके कड़ाव उस पर चढ़ा दे और तेल डाल करके कड़ाव में रख दे। तेल पूरी तरह से गर्म हो जाने पर रूपनाथ जी सवाई भोज से कहते हैं कि आज इस कड़ाव की परिक्रमा करते हैं। आगे सवाई भोज और पीछे बाबा रूपनाथ जी कड़ाव की परिक्रमा शुरू करते हैं। बाबा रूपनाथ सवाई भोज के पीछे पीछे चलते हुए एक कदम सवाई भोज को कड़ाव में धकेलने का प्रयत्न करते हैं। सवाई भोज पहले से ही सावधान होते हैं, इसीलिए छलांग लगा करके कड़ाव के दूसरी ओर कूद जाते हैं और बच जाते हैं। फिर सवाई भोज बाबा रूपनाथ से कहते हैं, महाराज अब आप आगे आ जाओ, और फिर से परिक्रमा शुरू करते हैं। सवाई भोज जवान एवं ताकतवर होते हैं। इस बार वह परिक्रमा करते समय आगे चल रहे बाबा रूपनाथ को उठा करके गर्म तेल के कड़ाव में डाल देते हैं। बाबा रूपनाथ का शरीर कड़ाव में गिरते ही सोने का हो जाता है, वह सोने का पोरसा बन जाता है। तभी अचानक आकाश से आकाशवाणी होती है कि सवाई भोज तुम्हारी 12 वर्ष की काया और 12 वर्ष की ही माया है, यानी 12 साल की ही बगड़ावतों की आयु है, और बाबा रूपनाथ की गुफा से मिले धन की माया भी 12 साल तुम्हारे साथ रहेगी। और एक आकाशवाणी यह भी होती है कि यह जो सोने का पोरसा है इसको तुम पाँव की तरह से काटोगे तो यह बढ़ेगा, और यदि सिर की तरफ से काटोगे तो यह घटता जाएगा। इस धन को तुम लोग खूब खर्च करना, दान पुण्य करना। सवाई भोज को बाबा रूपनाथ की गुफा से भी काफ़ी सारा धन मिलता है, जिनमें से एक जयमंगला हाथी, एक सोने का खांडा, बुली घोड़ी, सुरह गाय, सोने का पोरसा, कश्मीरी तंबू इत्यादि दुर्लभ चीज़ें लेकर के सवाई भोज घर आ जाते हैं। घर आकर के सवाई भोज बाबा रूपनाथ एवं सोने के पोरसे की सारी घटना अपने भाइयों एवं परिवार वालों को बताते हैं। इस अथाह संपत्ति का क्या करें यह विचार करते हैं। इतना सारा धन प्राप्त हो जाने पर सभी बड़गावत अपना पशुधन बढ़ाते हैं, सभी अपने लिए घोड़े खरीदते हैं और सभी घोड़े के लिए सोने के जेवर बनवाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि बगड़ावत अपने सभी घोड़ों के सोने के जेवर कच्चे सूत के धागे में पिरो करके बनाते थे। उनके घोड़े जब भी दौड़ते थे तब वह जेवर टूट करके गिरते रहते थे और वे दोबारा जेवर बनवाते रहते थे। आज भी ये जेवर कभी कभी बगड़ावतों के गाँवों के ठिकानों से मिलते रहते हैं। बगड़ावत खूब जमीन खरीदते हैं और अपने अलग अलग गांव बसाते हैं। सवाई भोज अपने गांव का नाम गोठा रखते हैं। बगड़ावत काफ़ी धार्मिक काम करते हैं, तालाब और बावड़ियां बनवाते हैं और जनहित में कई कार्य करते हैं। बगड़ावतों के पास काफ़ी संपत्ति होने से वो काफ़ी पैसा शराब खरीदने पर भी खर्च करते हैं और अपने घोड़े को भी शराब पिलाते हैं। एक बार सवाई भोज अपने भाइयों के साथ अपने राजा राव जी से मिलने जाने की योजना बनाते हैं। अपने सभी घोड़ों को सोनों के जेवर पहनाते हैं। साड़ू माता नियाजी से पूछती हैं कि इतनी रात को कहाँ जाने की तैयारी है। नियाजी उन्हें अपनी योजना के बारे में बताते हैं और फिर सारे भाई राण की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें पनिहारिनें मिलती हैं और बगड़ावतों के रंग रूप को देख करके आपस में चर्चा करने लगती हैं। आगे जाकर उन्हें राण के पास एक खूबसूरत बाग दिखाई देता है जिसका नाम नौलखा बाग होता है। वहां रुक करके सभी भाइयों की विश्राम करने की इच्छा होती है। यह नौलखा बाग राजवी दुर्जन साल की जागीर होती है। नियाजी माली को कहते हैं कि पैसे लेकर के हमें बैठने दे, लेकिन माली बगड़ावतों को वहां विश्राम करने से मना कर देता है, जिससे बगड़ावत गुस्सा हो जाते हैं। वे उसे खूब पीटते हैं और नौलखा बाग का फाटक तोड़ करके उसमें घुस जाते हैं। बाग का माली मार खा करके राव जी से उनकी शिकायत करने जाता है। बगड़ावतों को नौलखा बाग के पास दो शराब से भरी हुई झीलों का पता चलता है। वह शराब की झीलें पातु कलाली की होती हैं, जो दारू बनाने का व्यवसाय करती हैं। दारू की झीलों का नाम सावन भादवा होता है।
जिनमें काफ़ी मात्रा में दारू भरी होती है। सवाई भोज नियाजी और छूछू भाट के साथ पातू कलाली के पास शराब खरीदने जाते हैं। पातू कलाली के घर के बाहर एक नगाड़ा रखा होता है, जिसे दारू खरीदने वाला बजा करके पातू कलाली को बुलाता है कि कोई दारू खरीदने के लिए आया है। नगाड़ा बजाने वाला जितनी बार नगाड़े पर चोट करेगा, वह उतने लाख की दारू पातू से खरीदेगा। छूछू भाट तो नगाड़े पर चोट पर चोट करे जाते हैं। यह देख पातू सोचती है कि इतनी दारू खरीदने के लिए आज कौन आया है। पातू कलाली बाहर आकर देखती है कि दो घुड़सवार दारू खरीदने आए हैं। पातू कहती है कि मेरी दारू महंगी है, पूरे मेवाड़ में कहीं नहीं मिलेगी। केसर कस्तूरी से भी अच्छी है यह, तुम नहीं खरीद सकोगे। नियाजी और सवाई भोज अपने घोड़े के सोने के जेवर उतार कर पातू को देते हैं और दारू देने के लिए कहते हैं। पातू दारू देने से पहले सोने के जेवर सुनार के पास जांचने के लिए भेजती है। सुनार सोने की जांच करता है और बताता है कि जेवर बहुत कीमती हैं। जेवर की परख हो जाने के बाद पातू नौलखा बाग में बैठा करके बगड़ावतों को खूब दारू पिलाती है। इधर माली की शिकायत सुनकर राव जी नीमदेव जी को नौलखा बाग में भेजते हैं। रास्ते में उन्हें नियाजी दिखते हैं, जो अपने घोड़े के ताजड़े से एक सुअर का शिकार कर रहे होते हैं। नीमदेव जी यह देख करके उनसे प्रभावित हो जाते हैं और पास आकर उनका परिचय लेते हैं। यही नियाजी और नीमदेव जी की पहली मुलाकात होती है। नियाजी से मिलकर नीमदेव जी वापिस राव जी के पास जाकर कहते हैं कि वे तो बाघ जी के बेटे बगड़ावत हैं। राव जी कहते हैं कि फिर तो वे अपने ही भाई हैं। राव जी सवाई भोज के पास आकर के उनको अपना धर्म भाई बना लेते हैं और उन्हें बड़े आदर के साथ नौलखा बाग में ठहराते हैं और खूब दारू पिलाते हैं। यह बात सुनकर पातू शर्त के लिए तैयार हो जाती है और सवाई भोज के पास जाती है और अपनी सारी दारू सवाई भोज की हथेली में उड़ेलती है। यहाँ तक कि पातू की सारी दारू खत्म हो जाती है, उसकी दोनों दारू की झीलें सावन भादवा भी खाली हो जाती हैं, मगर सवाई भोज की हथेली खाली रह जाती है, भर नहीं पाती है। यह देखकर पातू घबरा जाती है और सवाई भोज के पांव पकड़ लेती है और कहती है कि आप मुझे अपने राखी डोर की बहन बना लीजिए, और सवाई भोज को राखी बांधकर अपना भाई बना लेती है। बगड़ावत नौलखा बाग से वापस आते समय मेघला पर्वत पर पातू द्वारा दिया गया दारू का बीड़ा खोलते हैं। उसमें से इतनी दारू बहती है कि धोबी उसमें अपने कपड़े धोने लगते हैं। बगड़ावत वहां काफ़ी मात्रा में शराब गिराते हैं और उससे कुल्ले करते हैं। वह शराब इतनी मात्रा में ज़मीन पर उड़ेलते हैं कि शराब रिस करके पाताल लोक में जाने लगता है, जो पृथ्वी को अपने शीश पर धारण करने वाले राजा बासक के सिर पर जाकर के टपकती है। उससे शेषनाग कुपित हो जाते हैं। गुस्सा होते हुए राजा बासक तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु के पास जाकर के बगड़ावतों की शिकायत करते हैं और कहते हैं कि हे नारायण, बगड़ावतों को सजा देनी होगी, उन्होंने मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया है, आप कुछ करिए भगवान। भगवान विष्णु बगड़ावतों को श्राप देने के लिए देवलोक से पृथ्वी पर साधु का वेश धारण करके बगड़ावतों के गाँव गोठा में प्रकट होते हैं। साड़ू माता अपने महल में पूर्ण नग्न अवस्था में स्नान कर रही होती हैं और सभी बगड़ावत गायें चराने हेतु जंगल में गए होते हैं। साधु वेश धारण करके भगवान विष्णु साड़ू माता के द्वार पर आकर भिक्षा मांगते हैं। सा माता की दासी भिक्षा लेकर के आती है तो साधु भिक्षा लेने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि वह दास भिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे, तुम्हारी मालकिन अभी जिस अवस्था में है उसी अवस्था में आकर के भिक्षा दे तो वो ग्रहण करेंगे, अन्यथा वह श्राप दे करके चले जाएंगे। यह बात सुनकर साधु माता सोचती हैं कि यह साधु जरूर कोई पहुँचे हुए संत हैं, इन्हें अगर इसी अवस्था में भिक्षा नहीं दी गई
तो वो जरूर श्राप दे देंगे। साढ़ू माता नहाना छोड़ नग्न अवस्था में ही दान लेकर के साधु महाराज को देने के लिए आती हैं। भगवान देखते हैं कि यह तो उसी अवस्था में चली आ रही है। सा माता एक दैवीय शक्ति होती हैं, उसके सतीत्व के प्रभाव से उसके सिर के केश यानी कि बाल इतने बढ़ जाते हैं कि उसके केशों से सारा शरीर ढक जाता है। साधु को दान देकर उन्हें प्रणाम करती हैं। साधु वेश धारण किए भगवान कहते हैं कि मैं तुमसे प्रसन्न हुआ, तू कोई भी एक वरदान मांग। मैं आया तो तुझे छलने के लिए था, श्राप देने, मगर तेरे विश्वास से मैं प्रसन्न हुआ। साढ़ू माता भगवान से कहती हैं कि महाराज, मेरे कोई संतान नहीं है, और अपने केशों की झोली फैला करके कहती है कि मेरी खाली झोली भर दो। भगवान कहते हैं तथास्तु। सा माता, तू अगर अपनी कोख बताती तो मैं तेरे गर्भ से जन्म लेता, लेकिन तूने झोली फैलाई है, इसीलिए मैं तेरी झोलियाँ ही आषाढ़ू माता पूछती हैं भगवान कैसे। साधु महाराज अपने असली रूप में आकर के साढ़ू माता को दर्शन देते हैं और कहते हैं कि जब भी तुम पर कोई विपदा आए तो तुम सुआ और सोतक के दिन टाल करके सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में नहा धोकर सच्चे मन से मेरा ध्यान करना, मैं स्वयं तेरी झोली में जन्म लूँगा। सबसे पहले पानी बह करके आएगा और उसमें कमल के फूल खिलेंगे, उन्हीं में से एक कमल के फूल में से मैं अवतरित होऊंगा। यह कह करके भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। भगवान विष्णु वापस आकर राजा बासक से कहते हैं, मैं गया तो साढ़ू माता को छलने के लिए था, मगर उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दे बैठा। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, चलो मैं तुमको शक्ति यानी कि दुर्गा के पास ले जाता हूँ, वहीं कुछ कर सकती हैं। भगवान विष्णु और राजा बासक दुर्गा के पास आते हैं और अपनी सारी बात बताते हैं। दुर्गा उन दोनों की बात सुन करके कहती हैं कि बगड़ावत तो मेरे सेवक हैं, मेरी भक्ति से पूजा करते रहते हैं, मैं उन्हें कैसे छल सकती हूँ, मगर आपके लिए कुछ तो करना ही होगा। और बगड़ावतों को खपाने यानी कि मारने का वचन राजा बासक को दे देती हैं और दुर्गा बुआल के राजा के यहाँ अवतरित होने की योजना बनाती हैं। बुआल के राजा शिकार खेलने जंगल में जाते हैं और उन्हें वहाँ एक पालने में शिशु कन्या मिलती हैं। वह उसे घर ले आते हैं और उसका नाम जयमती रखते हैं। जयमती के रूप में दुर्गा देवी के साथ एक और देवी दासी के घर जन्म लेती हैं, उसका नाम हीरा होता है। बुआल के राजा के कोई संतान नहीं होती है, इसीलिए वह बहुत खुश होते हैं और उनका बहुत खुशी से पालन पोषण करते हैं। हीरा और जयमती साथ साथ बड़ी होती हैं और सखियों की तरह रहती हैं। हीरा राजकुमारी जयमती की सेवा में रहती है। एक बार जब राजकुमारी जयमती और हीरा दासी फुंदी किकली खा रही होती हैं, उनके पांवों की धमधम से सारा महल हिलने लगता है, क्योंकि वो दोनों तो दैवीय शक्तियां होती हैं। यह देख राजा पूछते हैं कि यह क्या हो रहा है, तो पता चलता है कि बाईसा फुंदी खा यानी कि खेल रही हैं। राजा देखते हैं कि बाईसा अब बड़ी हो गई हैं, इनकी शादी के लिए कोई सुयोग्य वर देखना होगा और ब्राह्मणों को बुलवाते हैं। राजा ब्राह्मणों को टीका यानी कि रुपया एवं नारियल शगुन देकर के कहते हैं कि राजकुमारी के लायक कोई सुयोग्य प्रतापी सुंदर राजकुमार को ही ये शगुन जाकर के देना और राजकुमारी का संबंध तय करके आना। यह बात राजकुमारी जयमती को पता चलती है कि पिताजी ब्राह्मणों के हाथ मेरी शादी का शगुन भेज रहे हैं, तो वह चुपके से ब्राह्मणों को अपने पास बुलाती है और उनकी खूब आवभगत करती है और कहती है, हे ब्राह्मण देवता, आप मेरी शादी का शगुन ऐसे घर में जाकर के देना जहाँ एक बाप के 24 बेटे हों और दूसरे नंबर के बेटे का नाम सवाई भोज हो, उसी के यहाँ जाकर के मेरा लगन तय करना। और साथ में कपड़े पर सवाई भोज का चित्र बना करके देती हैं और कहती हैं कि अगर कहीं और जाकर के आपने मेरा संबंध तय किया तो मैं आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मरवा दूंगी। ब्राह्मणों को जाते समय जयमती काफ़ी रुपया पैसा देकर के भेजती हैं। ब्राह्मण
खुशी खुशी रवाना हो जाते हैं। ब्राह्मण सारी दुनिया में घूम फिर कर थक जाते हैं, लेकिन उन्हें जयमती द्वारा बताया हुआ वह नर नहीं मिल पाता है। यहाँ तक कि उनकी हालत इतनी दयनीय हो जाती है कि उनके कपड़े फट जाते हैं, दाढ़ी बढ़ जाती है, भिखारियों से भी बदतर हालत हो जाती है। घूमते घूमते आखिरकार ब्राह्मण गुंठा पहुँचते हैं। वहाँ उन्हें पनिहारियाँ मिलती हैं और उनकी हालत पर हंसती हैं, क्योंकि उनके कपड़े फटे हुए और वह भूखे प्यासे होते हैं। पनिहारियाँ उनसे पूछती हैं कि क्या दुख है जो इतने परेशान हो, तो ब्राह्मण कहते हैं कि ऐसे कुल की तलाश है जहाँ एक बाप के 24 बेटे हों और सवाई भोज का चित्र दिखाते हैं। वे कहती हैं कि यह तो हमारे ही गाँव के हैं और ब्राह्मणों को बगड़ावतों के घर छोड़ देती हैं। बगड़ावत उनकी आवभगत करते हैं, नए कपड़े खाना पीना देते हैं। ब्राह्मण सवाई भोज को राजा बुआल द्वारा दिया हुआ शगुन का टीका और नारियल देते हैं। सवाई भोज कहते हैं कि हमारे सभी भाइयों के एक एक दो दो रानियां हैं, इसे लेकर के हम क्या करेंगे, और फिर हम तो ग्वाला हैं, एक राजा के यहाँ तो राजा ही संबंध करता है। ऐसा करो कि तुम यह शगुन राड़ के राजा के यहाँ ले जाओ। यह बात सुनकर के ब्राह्मण राजकुमारी जयमती द्वारा कही सारी बात बताते हैं और कहते हैं यह तो आपके लिए ही है और यह आपको ही लेना होगा। सवाई भोज सभी भाइयों की सहमति से शगुन ग्रहण कर लेते हैं और ब्राह्मणों को राजी खुशी वहाँ से दक्षिणा देकर के विदा करते हैं। ब्राह्मण उन्हें राजा बुआल का सारा पता ठिकाना दे करके कहते हैं कि फला दिन के सावे हैं और 4 दिन पहले बारात लेकर के बड़े ठाट बाट से शादी करने के लिए पधारें। ब्राह्मणों के जाने के बाद सवाई भोज अपने सभी भाइयों के साथ मिलकर यह फैसला करते हैं कि यह लगन का टीका हम स्वयं राव जी के यहाँ भिजवा देते हैं। राव जी की कोई संतान नहीं है, शायद इस रिश्ते से उन्हें कोई संतान प्राप्त हो जाए। जब राव जी को शगुन का टीका नारियल मिलता है, तब राव जी कहते हैं कि मैं तो अब बूढ़ा हो गया हूँ, और टीका लेने से आनाकानी करते हैं। बगड़ावत जिद करते हैं और कहते हैं कि आप चिंता मत करिए, शादी में सारा धन हम खर्च करेंगे। राव जी कंजूस प्रवृत्ति के होते हैं, खर्चे की बात सुन करके तैयार हो जाते हैं। बगड़ावत राव जी से कहते हैं हम बारात में इधर से ही पहुँच जाएंगे, आप उधर से सीधे पहुँच जाना, हम सब बुआल में ही मिलेंगे। शादी के लिए निमंत्रण भेजे जाते हैं, पहला निमंत्रण गणेश जी को और सभी देवी देवताओं को, फिर अजमेर, सावर, पिलोदा, सरवाड़, भीलमाल और मालवा, सभी जगह निमंत्रण भेजे जाते हैं। राव जी के ब्याह की खुशी में गीत गाए जाते हैं, उन्हें उपटन लगाया जाता है, नहला धुला करके उनका श्रृंगार किया जाता है। इधर 24 बगड़ावत भाई सज धज करके अपने घोड़ों पर सवार हो बुआल के राजा के यहाँ पहुँच जाते हैं। उन्हें बाग में ठहराया जाता है। बारात में आए हुए बगड़ावतों को देख करके नीम देव जी कहते हैं कि बगड़ावत तो ऐसे सज करके आए हैं जैसे कि शादी इन्हीं की हो रही हो। सबके सिर पे मोहर बंधा होता है। हीरा सभी बगड़ावतों का स्वागत करती है। जब जयमती को पता चलता है कि बगड़ावत आ गए हैं, वह हीरा से पूछती है कि सवाई भोज दिखने में कैसे हैं, और वह सवाई भोज के बारे में ही पूछती रहती हैं। हीरा जयमती के मन की बात जानती है, इसीलिए सवाई भोज को कलश बंधाती है। सवाई भोज हीरा के कलश को मोहरों से भर देते हैं। हीरा रानी को जाकर बताती है कि बगड़ावत तो बड़े दातार हैं। फिर राव जी की बारात आती है। बारात का स्वागत सत्कार होता है। जयमती की माता राव जी की आरती उतारती हैं। हीरा राव जी को कलश बंधाती है। राव जी कंजूस प्रवृत्ति के होते हैं, इसीलिए हीरा के कलश में 1 टका डाल देते हैं। हीरा रानी जयमती को जाकर बताती है कि राव जी तो एकदम कंजूस हैं। जयमती हीरा से पूछती हैं कि हीरा राव जी दिखने में कैसे हैं, तो हीरा पूछती है कि आदमी की औसत आयु कितनी होती है, 100 बरस? रानी जवाब देती हैं। हीरा बताती है कि इतनी तो वो जी लिए हैं और बाकी की जिंदगी नफे की है, यानी राव जी बूढ़े हो चुके हैं। तोरण का समय होने पर राव जी हाथी के होदे में सवार हो
तोरण मारने के लिए आते हैं। तोरण के पास आते ही हाथी चमक जाता है और थोड़ा पीछे हट जाता है, क्योंकि हीरा नाहर बन तोरण के पास बैठ जाती है। शेर की आंखें देख हाथी डर जाता है और राव जी खोदे में ही गिर जाते हैं। इतने में तोरण का मुहूर्त निकल रहा होता है तो सवाई भोज अपने घोड़े को आगे ले जा करके तोरण मार देते हैं। सवाई भोज को तोरण मारते देख राव जी के भाई नीमदेव जी और बगड़ावत आमने सामने हो जाते हैं। जैसे तैसे आपस में समझौता हो जाता है। जयमती हीरा को सवाई भोज से खांडा मांगने बुआल के बाग में भेजती है और जब हीरा खांडा ले आती है तब उस पर मोड़ बांधती है। जयमती खांडे के साथ फेरे ले लेती है और खांडा वापस भिजवा देती है। जब सवाई भोज खांडे पर मोड़ और मेहंदी लगी हुई देखते हैं तो नियाजी से कहते हैं कि भाई निया, टीका नारियल अपने पास आया, तोरण हमने मारा, फेरे अपने खांडे के साथ हुए तो यह लुगाई अपनी हुई कि राव जी की। नियाजी कहते हैं कि दादा भाई, लुगाई तो अपनी ही हुई, लेकिन अब क्या करना चाहिए। सवाई भोज नियाजी को समझाते हैं कि अभी तो जयमती को राव जी के साथ जाने दो, बाद में निपट लेंगे। फेरों के समय रानी जयमती राव जी के साथ अपना रूप बनाकर बैठ जाती है और उस रूप के साथ राव जी का ब्याह हो जाता है। राव जी अपनी रानी जयमती को लेकर रवाना होते हैं। जिस रथ में रानी जयमती हीरा के साथ होती है उस रथ में गाड़ीवान रथ को दौड़ाता हुआ आगे ले जाता है। बगड़ावत भी पीछे पीछे आ रहे होते हैं। जयमती हीरा से कहती है कि मैं राव जी के साथ नहीं जाना चाहती और गोंठा का रास्ता आने से पहले कोई युक्ति लगाते हैं कि सवाई भोज से एक बार मुलाकात हो जाए। जिस जगह पर दो रास्ते फटते हैं, एक राड़ की ओर दूसरा गोंठा की ओर जाता है, वहां हीरा अपने चमत्कार से शेर बनकर उस गाड़ीवान को डरा देती है और वो बैल के पैरों में गिर जाता है और चिल्लाता है, नाहर नाहर। यह शोर सुन करके पीछे से आ रहे बगड़ावत अपने घोड़े को दौड़ाकर आगे पहुंचते हैं। नियाजी पूछते हैं, भाभी जी कहाँ हैं नाहर? नियाजी जयमती को पहली बार भाभी कह करके पुकारते हैं। रानी जयमती कहती हैं कि नाहर वाहर कुछ भी नहीं है, मुझे आपसे बात करनी थी। मैंने सवाई भोज को अपना पति माना है, उनकी तलवार के साथ फेरे लिए हैं। मैं राव जी के यहाँ एक पल भी नहीं रह सकती, आप मुझे अपने साथ ले चलिए। और जयमती सवाई भोज और नियाजी के सामने रोने लगती है और कहती है कि मैंने तो लगन यानी कि टीका भी आपके यहाँ भेजा था, इस बुढ़े राव जी के साथ मैं नहीं रहूँगी, आप मुझे अपने साथ ले चलिए। नियाजी कहते हैं कि हमें थोड़ा समय दीजिए। फिर सवाई भोज जयमती को वचन देते हैं और कहते हैं कि अभी तो तुम राव जी के महलों में जाओ और हम सब तैयारी करके तुम्हें 6 महीने बाद वहां से ले आएंगे। रानी जयमती और हीरा राड़ पहुंच जाते हैं। रानी जयमती राव जी को अपने नज़दीक नहीं आने देना चाहती है, इसीलिए वह राव जी से कहती है कि हमारे लिए अलग रावड़ा यानी कि महल बनवाओ, तब हम आपके साथ रहेंगे। राव जी नई रानी के लिए महल बनाने की जिद मान लेते हैं और महल बनवाने का काम शुरू हो जाता है। महल बनाने के लिए सैकड़ों कारीगर दिन भर लगे रहते हैं। दिन में कारीगर काम करते हैं लेकिन रात में रानी जयमती और हीरा उसे जा करके बिगाड़ देती थीं। ऐसा करते हुए भी महल 6 महीने में तैयार हो जाता है। बहुत इंतजार करने पर रानी जयमती व्याकुल हो जाती हैं। फिर वह हीरा से पूछती हैं कि 6 महीने तो बीत गए, बगड़ावत कब मुझे लेने आएंगे? हीरा कहती है कि वे नहीं आएंगे, वे अपने काम में लग गए होंगे, भैंसे चराने में उलझ गए होंगे। रानी कहती है कि सवाई भोज ने वचन दिया है, उनका वचन महादेव का वचन है, वे जरूर आएंगे। 6 महीने पूरे होने पर जयमती हीरा से परवाना लिखवाती है कि जैसे सीता रावण की कैद में थी उसी तरह मैं राड़ में राव जी की कैद में हूँ, अपने वचन के अनुसार मुझे यहाँ से जल्दी छुड़वा करके ले जाओ। हीरा चील बन करके बगड़ावतों के यहाँ रानी का पत्र पहुँचाती है। बगड़ावतों के दरबार में सभी भाई बैठे होते हैं। हीरा चील बन करके आकाश में उड़ती हुई आती है और रानी जयमती का पत्र गिरा देती है, जिसे नियाजी देख लेते हैं और अपनी ढाल से ढक देते हैं। यह सब सवाई भोज देख लेते हैं
और नियाजी से अकेले में पूछते हैं कि भाई नियाजी क्या संदेश आया है, वो कागज़ का परवाना कहाँ है जो ऊपर से गिरा था। नियाजी को हमेशा 6 महीने आगे का एहसास पहले ही हो जाता था, इसीलिए वह भांप जाते हैं कि इस परवाने पर अगर हम गौर करेंगे तो सभी मारे जाएंगे। सवाई भोज जिद करते हैं तो नियाजी पत्र सवाई भोज को दे देते हैं। सवाई भोज रानी जयमती का पत्र पढ़ते हैं और फिर सभी बगड़ावत भाई आपस में बैठकर निर्णय लेते हैं कि रानी को राव जी के यहाँ से भगा करके लाना ही होगा। रानी को भगा करके लाने के बाद क्या होगा, इसके भी सारे परिणामों पर गौर कर लिया जाता है और बगड़ावत सारी तैयारी में जुट जाते हैं। तेजा जी को भी साड़ीवान भेज करके पाटन की कचहरी बुलाया जाता है। साड़ू माता नियाजी को बुलाकर पूछती हैं कि क्या बात है, कहाँ की तैयारी है। नियाजी उन्हें सारी बात बता देते हैं कि सवाई भोज की शादी कैसे रानी जयमती के साथ हुई। फिर नियाजी साड़ू माता से कहते हैं कि हम सब रानी को लेकर के जरूर जाएंगे, वो हमारे भाई सवाई भोज के खांडे के साथ शादी कर चुकी है। ऐसा कहकर नियाजी और बाकी सभी भाई अपने घोड़े को तैयार करते हैं। जब साड़ू माता उन्हें जाने के लिए मना करते हैं तो नियाजी कहते हैं कि हमने शक्ति को वचन दिया है, इसीलिए जाना तो अवश्य पड़ेगा। साड़ू माता कहती हैं कि ऐसी औरत को घर लाने से क्या फ़ायदा जिसके लिए खून बहाना पड़े, एक भवानी के लिए आपको अपने माथे देने पड़ेंगे। साड़ू माता फिर नियाजी को समझाती हैं कि घर में एक औरत है तो दूसरी को क्यों लाते हो, लेकिन नियाजी नहीं मानते हैं और जयमती को लेने जाने की बात दोहराते हैं। तेजा जी की पत्नी तेजा जी को कहती हैं, आप तो बनिए के भांजे हो, आप रण में मत जाना। साड़ू माता कहती हैं कि मैं आपकी दारू यही मंगवा देती हूँ, राड़ में दारू पीने मत जाओ, मैं प्याले भर यहीं पिला दूंगी। तो नियाजी फिर कहते हैं कि वचन दिया हुआ है, जाना तो पड़ेगा। साड़ू माता बगड़ावतों को जाने के लिए बार बार मना करती हैं। साड़ू माता कहती हैं कि पर नारी को अंग लगाना अच्छा नहीं है, रावण चाहे कितना ही बलवान था मगर सीता हरण करने से उसका भी अंत हो गया। जयमती राव जी की स्त्री है, पर नारी को आप भी मत लाओ, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। साड़ू माता नियाजी को बताती हैं कि मैंने सपना देखा है कि खारी नदी के ऊपर घमासान युद्ध हो रहा है, कटे हुए माथों का ढेर लगा हुआ है, मेरी आंखों से आंसू आ रहे हैं। सा माता कहती हैं कि मैंने भवानी को मुंड माला धारण किए हुए खारी नदी के घाट पर बैठे देखा है। इस पर नियाजी कहते हैं कि माताजी सपना तो झूठा होता है, सपने पर क्या यकीन करना। जब बगड़ावत साड़ू माता के बहुत समझाने पर भी नहीं मानते हैं तो साड़ू माता बगड़ावतों के गुरुजी को एक पत्र लिखती हैं कि गुरुजी आपके चेले गलत राह पर जा रहे हैं, आप आकर के इन्हें समझाओ। बाबा रूपनाथ जी पत्र का जवाब देते हैं कि साड़ू माता रानी को तो जरूर लाना है। बाबा रूपनाथ जी पत्र का जवाब देते हैं कि साड़ू माता रानी को तो जरूर लाना है। नियाजी बाबा रूपनाथ जी का पत्र पढ़ करके सबको सुनाते हैं। बगड़ावतों के यहाँ रणजीत नगाड़ा बजाने लगता है। माता साड़ू कहती हैं, बाबा जी को तो आग बुझाने के लिए कहा था, इन्होंने तो और आग लगा दी है। नियाजी रानी जयमती की सुंदरता का वर्णन साड़ू माता के सामने करते हैं, उनके श्रृंगार और रूप के बारे में बताते हुए उन्हें रानी की उपमा देते हैं। इस पर सा माता नियाजी से कहती हैं कि आप जाओ और रानी को लेकर के आओ, मैं नई रानी को अपनी बहन के जैसे समझूंगी और उसे लेकर के आओगे तो उसकी आरती उतारकर हंसी खुशी उसका स्वागत करूंगी। दूसरी सभी रानियां साड़ू माता से कहती हैं कि रानी जयमती है तो बहुत खूबसूरत, लेकिन है तो दूसरे की औरत। बगड़ावत राड़ जाने के लिए अपने घोड़ों का श्रृंगार करते हैं। सवाई भोज हीरों पन्नों और सोने के जेवरों से सजी हुई बुली घोड़ी पर सवार होकर के निकलते हैं। साड़ू माता बगड़ावतों को शाम के वक्त जाने के लिए मना करती हैं और सुबह जाने का आग्रह करती हैं। नियाजी कहते हैं कि जाना तो है ही, आप हमारी वापसी के लिए शगुन करना और अब हमें आज्ञा दो।
साड़ू माता की अनुमति के बाद सभी भाई घोड़े को नचाते हुए सवार होकर गांव के बाहर इकट्ठे होते हैं और देखते हैं सभी भाई आ गए मगर तेजा जी नहीं आए। नियाजी तेजा जी को परवान लिखते हैं कि तेजा जी आप पत्र पढ़ते ही जल्दी आ जाना, हम आप पर आँच भी नहीं आने देंगे, आपको सुरक्षित वापस लाएंगे, आप नहीं आए तो आपका सिर काट कर साथ ले जाएंगे। समाचार सुनकर तेजा जी अपने घोड़े पर सवार होकर के अपने भाइयों के साथ आ जाते हैं और सारे बगड़ावत भाई रानी को लेने के लिए राठौड़ की पाल पर पहुंचते हैं। उधर रानी जयमती के लिए बनाया गया नया महल बन करके तैयार है। रानी जयमती महलों में रहने आ जाती है। जब राव जी अपनी नई रानी जयमती के पास रात को आते हैं, रानी उनके साथ चौपड़ खेलती है और अपनी माया से राव जी को मुर्गा बना देती है और हीरा को बिल्ली बना देती है। रात भर मुर्गा बने राव जी बिल्ली से बचने के लिए इधर उधर भागते छिपते रहते हैं। ऐसा क्रम कई दिनों तक चलता रहता है। एक दिन राव जी के छोटे भाई निमदेव जी पूछते हैं कि भाई सा, नई रानी में इतना मगन हो गए हो कि आपकी आँखें इतनी लाल हो रही हैं, क्या रात भर सोए नहीं? राव जी कहते हैं कि निमदेव, लगता है महल में कोई भूत प्रेत है जो रात भर मेरे पीछे बिल्ली बन करके घूमता रहता है और मुझे डराता भी है। इधर राड़ में जयमती भवानी हीरा से पूछती है कि बगड़ावत आ गए क्या? हीरा जवाब देती है कि मुझे नहीं लगता कि वो आएंगे। जयमती कहती है, बादलों में बिजली चमक रही है, बगड़ावतों के भाले चमक रहे हैं, बगड़ावत आ रहे हैं। हीरा कहती है, बाईसा मेरे को ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। बगड़ावत राड़ में रानी को लेने आ जाते हैं और नौलखा बाग में ठहरते हैं। सवाई भोज बकरियों की पाली बना करके रानी के महलों के पिछवाड़े उन्हें चराने निकल जाते हैं और रानी जयमती को संकेत कर देते हैं कि हम आपको लेने आ गए हैं। जैसे ही रानी जयमती को बगड़ावतों के आने की सूचना मिलती है, रानी जयमती अपनी माया से अपने पसीने का सुअर बना करके नौलखा बाग के पास छोड़ देती है। नियाजी की निगाह जब उस पर पड़ती है तो वह उसका शिकार करने के लिए निकल लेते हैं। वहां नौलखा बाग में नियाजी और निमदेव जी की फिर से मुलाकात होती है। निमदेव जी राव जी के पास जाकर बगड़ावतों के आने की खबर देते हैं। इधर रानी जयमती हीरा को कहती है कि जाकर के पता करो सवाई भोज के क्या हाल हैं। जब हीरा जाने के लिए मना करती है तो जयमती हीरा को लालच देती है और अपने सारे गहने हीरा को पहनने के लिए दे देती है। हीरा कहती है, ये गहने मुझे अच्छे नहीं लगते हैं, ये तो आपको ही अच्छे लगते हैं। जयमती हीरा को कहती है कि ये गहने पहनकर तू सवाई भोज का पता करने जा। हीरा नौलखा बाग में बगड़ावतों से मिलने पहुँचती है, जहाँ बगड़ावत भाई पातू कलाली की बनाई दारू पी रहे हैं। वहां हीरा के गले में नियाजी दारू का ग्लास उड़ेल देते हैं। हीरा दारू पी करके बेहोश हो जाती है और रात भर नौलखा बाग में ही रहती है। बगड़ावत हीरा को जाजम यानी कि दरी से ढक देते हैं ताकि कोई देख न ले उसे। जब सुबह हीरा को होश आता है और वह महलों में रानी के पास लौटती है तो किसी को शक न हो इसलिए अपने साथ चावंडिया भोपा को लेकर के आती है और कहती है कि रानी के पेट में दर्द था, उसको ठीक करने के लिए इसे लेने गई थी। चावंडिया भोपा के पास लौटने के बाद रानी जयमती हीरा को पीटती है और ईर्ष्यावश उसे खूब खरी खोटी सुनाती है कि तू भोज पर रिझ गई है, भोज ने रात को तुझे छुआ तो नहीं और क्या क्या बात हुई बता। जब हीरा सारी बात सही सही बताती है तब रानी जयमती वापस हीरा को मनाती है, उसे खूब सारा जेवर देती है। एक दिन रात को हीरा और रानी जयमती सवाई भोज से मिलने नौलखा बाग की ओर जा रही होती हैं। संयोग से उस दिन नीमदेव जी पहरे पर होते हैं और वो रानी की चाल से रानी को पहचान जाते हैं। रानी नीमदेव जी को देख पास ही भड़भूजे की भाड़ में जा छुपती है, जिसे नीमदेव जी देख लेते हैं और हीरा से पूछते हैं कि हीरा, भाभी जी को इतनी रात को लेकर के कहाँ जा रही हो? हीरा सचेत होकर के कहती है कि बाईसा को पेट घणों दुखे है, इस वास्ते भड़भूजे के यहाँ आए हैं।
यह झाड़ फूक भी करना जानता है। नीमदेव जी को हीरा की बात पर विश्वास नहीं होता है। भड़भूजा की भाड़ में छिपी रानी को निकालते हैं और हीरा को कहते हैं कि हीरा तुझे इस सच की परीक्षा देनी होगी। हीरा परीक्षा देने के लिए तैयार हो जाती है। नीमदेव जी लुहार को बुलवाते हैं और लोहे के गोले गरम करवाते हैं। लुहार भट्टी पर लोहे के बने गोलों को तपा करके एकदम लाल कर देता है। जब लुहार लोहे के तपते हुए गोले चिमटे से पकड़ करके हीरा के हाथ में देने वाला होता है, तब नीमदेव जी हीरा से कहते हैं कि यदि तू सच्ची है तो तेरे हाथ नहीं जलेंगे और अगर तू झूठ बोल रही होगी तो तेरे हाथ जल जाएंगे। हीरा लोहे के गर्म गोलों को देखती है तो एक बार पीछे हट जाती है और रानी की ओर देखती है। फिर अचानक हीरा को लाल तपते हुए गोले के ऊपर एक चींटी चलती दिखाई देती है तो वह समझ जाती है कि यह बाईसा का चमत्कार है और वह तपते हुए गोले को अपने हाथों में ले लेती है। इस पर नीमदेव जी कहते हैं कि रानी जी के पेट में दर्द था तो भड़भूजे को ही महलों में बुलवा लेते। इतना कह करके नीमदेव जी वहाँ से चले जाते हैं।